की आपके हाथ में टेस्ट बहुत ज्यादा है। जिंजर एंड लेमन कॉम्बिनेशन है, आज ये ट्राई करें कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? हेरोफियस हैं, दिस इज़ मंशा। और आज कराची का मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज कविता दीदी के पास आएं और इनसे पाव भाजी खाएं। हाय कविता, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूं भाई, आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। आप ये माइक अपने करीब करेंगी ताकि आवाज़ सही आए। और आज बताइए कि मैं गुजर रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना कविता दीदी का जाके चेक करें, स्टॉल कैसा जा रहा है और पाव भाजी कैसा जा रहा है। बस आप खुद देखिए, ऑर्डर पे ऑर्डर लगे हुए हैं, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, आप लोगों की दुआओं से। कुछ इजाफा हुआ है पाव भाजी के अलावा? पाव भाजी के अलावा हमने गुजराती फाफड़ा रखे हैं, मगर वो अफसोस इस वक्त ख़त्म हो गए। वो इतना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि 6 बजे आओ तो 8 बजे फिनिश। अच्छा जबरदस्त। तो आजकल क्या आपने औकात टाइमिंग क्या रखी हुई है, कब ओपन? हम शाम को वही सेम 6 बजे ओपन कर रहे हैं, थोड़ा टाइमिंग एक्सटेंड किया है, 10 से 10:30-11 बज जाते हैं अब हमें। अच्छा, क्योंकि लोग आ रहे होते तो फिर हम बंद नहीं करते, स्टॉक खत्म हो जाता तो फिर सबको माजरत करके चले जाते हैं। अच्छा, तो कुछ दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं इस इलाके के अलावा? जी जी, काफी नॉर्थ से आ रहे हैं और कुछ तो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, स्पेशली हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर। कहते स्टेशन करीब है तो सोचा पहले यहीं से खाते हुए फिर घर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलें आप बनाएं साथ साथ और मैं दिखाता हूँ। ये जी जो कविता जो है वो इस वक्त बना रही है पाव भाजी, और आज मैं गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना हम इनका पाव भाजी भी चेक करें और साथ साथ आपको भी दिखाएं। कराची लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम फूड पांडा पे भी आ गए। फूड पांडा पे भी आ गए? किस नाम से आपका फूड पांडा पे? कविता दीदी ईट एक्सप्रेस। अब कविता दीदी ईट एक्सप्रेस यहाँ के लिखा हुआ है, मेंशन है यहाँ के? हाँ ये जी। और आप फूड पांडा से भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और कविता का ये स्टॉल बिल्कुल कराची कैंट स्टेशन के सामने है, और यहाँ पर अगर आप कैंट स्टेशन के करीब से हैं तो यहाँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पाव भाजी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी बहुत टेस्टी हैं, और टेस्ट जो है वो इनके हाथ में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि इस वक्त ये ना सिर्फ पाकिस्तान कराची बल्कि हिंदुस्तान में भी इनके चर्चे हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आप ही लोगों ने वहाँ पे भी चर्चे करवाए, अगर आप ना आते कवर करते तो चर्चे ना होते। बस नहीं, आप अच्छा काम कर रही हैं, और हमारा तो काम है कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें, उसे इनकरेज करें। और जी आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आएँ, और मैं तो अभी हैर लूँगा सोडा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ एक जगह से और वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा वाला। लेकिन कविता के करीब से गुजर तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है वो मैं आपको अगेन जो है वो कविता दीदी का ये स्टॉल दिखा दूँ। और पाव भाजी, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो पाव भाजी को समझते हैं, उनको अंदाज़ा है कि पाव भाजी जो है वो किस कदर टेस्टी फूड है, प्योर वेजिटेरियन फूड। और यहाँ पर इस वक्त अच्छा हादसा जो है वो रश है, हवातीन की तादाद अच्छी हासी होती है। और ये देखें कि अगर मेहनत करनी हो, अगर कुछ करना हो, तो एक छोटे से स्टॉल से और कराची के छोटे से इलाके से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और हवातीन को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह मैं इसी यूट्यूब चैनल से आपको मजीद अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। एंड लेमन कॉम्बिनेशन है, आज ये ट्राई करें कैसा लगता है। जी जी जी, श्योर ये ट्राई करता हूँ मैं, और जबरदस्त बहुत अच्छा है, वैसे ही आपके हाथ में टेस्ट बहुत ज्यादा है। थैंक यू। मतलब गर्मी में आप आए, लग रहा है जिम विम करके आया तो आपको सोडा पिलाया जाए। हाँ बस ऐसे ही है, हम एक कवरी से निकले, गुजर रहा था तो मैंने कहा आज चलें मैं अगेन जो है वो चक्कर लगा लूं। बट जी ग्रेट, आप जारी रखें और आप लोग आए तो यहाँ पे मैं तो कविता दीदी का सोडा बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन पाव भाजी भी बहुत जबरदस्त है। तो मैं यही बता रहा था कि जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। राइट राइट जी जी, थैंक यू।